वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि शुगर इंडस्ट्री के बारे में। देखो शुगर इंडस्ट्री में आप देखोगे शुगर इंडस्ट्री के हर शेयर भाग रहे हैं। मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर श्री रेणुका जी, आपको शायद याद होगा, मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाई थी, मैंने देखो शुगर इंडस्ट्री मेरी जितनी वीडियो लास्ट टाइम मैंने इस पर 22 तारीख को वीडियो बनाई थी, और मैंने शुगर इंडस्ट्री में जितनी वीडियो बनाई है, देखो ये राणा जी शुगर लिमिटेड है, और यहाँ पर आपके सामने बालाजी चीनी होगी, धर्मपुर शुगर होगी, बजाज हिंदुस्तान शुगर होगी, जितनी भी शुगर इंडस्ट्री है ना, जितनी मतलब मुझे उस समय देखो कंपनियाँ बहुत सारी है, मैंने जो बनाई है उनकी बात करता हूँ। उस समय मैंने एक ही बात बोली थी, आपने मेरी कोई वीडियो पे लेकर देख लेना, जब से मैंने शुगर इंडस्ट्री के ऊपर कोई भी शेयर बनाया, मैंने कहा था आने वाले कुछ महीने में शुगर इंडस्ट्री के जितने भी शेयर हैं सब में एक अच्छा मूव आएगा। वो मेरा मूव का देखो एक सबसे बड़ा कारण ये था, क्योंकि इस समय दुनिया के कई देशों में ना जो गन्ने की फसल वो ख़राब हुई थी, इसलिए इंडिया का ना एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, शुगर एक्सपोर्ट, तो उसका फ़ायदा इंडियन कंपनी को होना ही होना था। तो आज की डेट में देखो जो शुगर की इंडस्ट्री भाग रही है, मैं आपको कहता हूँ मेरी कोई वीडियो प्ले कर लेना, ये कर 1 अप्रैल कर, इससे पहले जो बनाई है वो प्ले कर लेना, कोई भी शुगर इंडस्ट्री मेरी कोई वीडियो प्ले कर लेना। और उस समय मैंने देखो अपने अकॉर्डिंग स्टडी की थी, और आपको लिए जो मैंने पेनी स्टॉक दिया था श्री रेणुका जी, और इस शेयर का आपको जो मैंने फंडामेंटल दिखाए थे इसके, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक बार, देखो जो इसके फंडामेंटल मैं आपको दिखाए थे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ फोरकास्ट के ऊपर, देखो सबसे पहले मैं फाइनेंस के ऊपर आता हूँ। देखो इस शेयर को बाय करने का सबसे जो मेरे एक ही रीज़न था, आप इसकी नेट इनकम पे आओ, ठीक है 2020 की, अब मैंने कहा था उस समय मेरी कोई वीडियो प्ले करना कि 2019, 2018, 2017 उससे पहले भी ये कंपनी लगभग हमेशा लॉस में ही थी, ठीक है, और पर लास्ट 2020 में इसका प्रॉफिट एक लॉस में, देखो 1400 करोड़ लॉस से 2000 करोड़ प्रॉफिट में अगर कोई कंपनी आती है तो उसने ज़रूर काफ़ी अच्छा काम किया होगा। और उस समय मैंने आपके लिए शेयर निकाला था, और जब मैंने इसके लिए बाइक कहा था तो इसका प्राइस 8-9 रुपये के आसपास ये शेयर था, उसके आसपास ही ट्रेड करता था, और मैक्सिमम 11-12 तक जाता था। और मैंने कहा था जिस तरह एक पेनी स्टॉक होता है ना कि आपको एक पेनी स्टॉक दूँ जिससे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो, तो इसीलिए मैंने ये शेयर बोला था आपको। और भी शेयर थे, बालाजी चीनी कई शेयर थे, पर उसमें मुझे कुछ ठीक ठाक लगा नहीं, पर एज़ पर ये शेयर मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज की डेट में देखो शुगर इंडस्ट्री का, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया का जिस इस साल एक्सपोर्ट बढ़ने से एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, कम से कम इस साल के लिए आप शुगर इंडस्ट्री किसी भी शेयर में पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा देखो और भी शेयर है शुगर इंडस्ट्री के जिसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, थोड़ा थोड़ा मैं उनके बारे में और बताता हूँ आपको। जैसा कि आपने नाम सुना होगा अवध शुगर, देखो इसमें भी एक अच्छा खासा मूव आ रहा है, इसी में थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, ठीक है कोई लेवल नहीं कोई कुछ नहीं, सिर्फ बताऊँगा कि इसमें हमें पैसा लगाना कि नहीं लगाना। देखो अब नेट इनकम पे आते हैं, देखो इनकी नेट इनकम में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, आप एक अच्छे मूव पर, देखो इसने आज लो में क्लोजिंग दी है, पर फिर भी आप एक अच्छे मूव में प्रॉफिट तो कमा सकते हो, पर पैसा आपका अनसिक्योर है, अनसिक्योर मतलब अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो शेयर नीचे गिरेगा सीधा। इसकी सिर्फ नेट इनकम दिखा रहा हूँ मैं आपको, रिवेन्यू देखकर कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है, नेट इनकम देखो ठीक है। अब शेयर का प्राइस कुछ भी हो, मैं शेयर का प्राइस नहीं दिखा रहा आपको, ये है जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है कि एक दुकान आपके लिए कई मकान बना सकती है, इसलिए सोशल स्क्वायर लाए हैं पहले दुकान फिर मकान, जहां इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10.5 लाख से शुरू है। सोशल स्क्वायर जीरकपुर पटियाला हाईवे। अब ये दवारी के शुगर, देखो इसका भी सीधा हम फाइनेंस पे जाते हैं। देखो मैं कोई लेवल दे रहा किसी को, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर शुगर इंडस्ट्री में पैसा लगाना है किस शेयर में लगाना है। देखो इसकी भी नेट इनकम देखोगे, ओवरऑल देखो कंपनी 2018, 2019, 2020 से लॉस में जा रही है, बस आप नेट इनकम पे ध्यान दो, ठीक है। रिवेन्यू कोई खास फर्क नहीं है, पर यह है कि 2021 में इनका रिवेन्यू बढ़ा है। देखो 21 में अगर किसी ने भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट अपने प्रॉफिट लॉस अगर निकाले फाइनेंशियल के अंदर, तब भी आपको डेफिनेटली हर कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है कि शुगर की इस बार एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ा है। तो अब इसके बाद आता है देखो एक हम देख लेते उत्तम शुगर, ठीक है। अब बाकी जो बलरामपुर चीनी है इनके ऊपर मैं पहले ही बना चुका हूँ, मेरी कोई भी वीडियो देख लेना। देखो इसके ऊपर भी देखता हूँ मैं आपको, अब देखो इसके भी आते हैं नेट इनकम पे, देखो इसकी भी नेट इनकम कम हुई है, बाकी देखो आखिरी फैसला आपका है। जस्ट मैंने आपको उस समय एक शुगर इंडस्ट्री के जब न्यूज़ आई थी कि इंडिया का इस बार एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, तब मैंने स्पेशल एक स्टडी की थी और एक अच्छा शेयर ला के दिया था आपको कि ओवरऑल आपके सामने मैं दिखाया था इसका प्रॉफिट कितने गुना बढ़ चुका है।
तब मैंने कहा था देखो आप भी स्टडी करो, अपनी पोजीशन बाय कर सकते हो। देखो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए देखो, अभी के लिए देखो एक होता है कि जब भी शेयर पीक पे जाता है ना, वो तो उस समय किसी भी शेयर पे लेवल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं श्री रेणुका जी को मैं काफ़ी टाइम से एक ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है, 8-9 रुपये से तब से मैं कह रहा हूँ इसमें आप अपनी बाइंग करो। अभी देखो काफ़ी पीक पे है, 1970 रुपये, फिर भी मैं कहूँगा देखो अगर किसी ने बाय करा है, अभी कोई बाय करेगा तो 18 रुपये के ऐसे भी साथ बाय करना, 18 को ब्रेक करते तो अगला लेगा सपोर्ट 16 रुपये 80 पैसे, ये दो ऐसा ले रखना बस। अब साइड में देखो इसका कुछ नहीं लगता, ये इससे और आगे भी जा सकता है एसएल, जो 16 रुपये 80 पैसे, ठीक है, दो एसएल है और 18 रुपये, ठीक है। अपसाइड देखो ये ऑल टाइम पीक पे है, तो ये अपसाइड काफ़ी आगे जा सकता है, तो इसके ऊपर मैं अभी कोई लेवल नहीं कहूँगा भाई, यही है जिसने बाय कर रखा है। अगर करंट भी कोई बाय करना चाहता है तो इसी लेवल के साथ वो चाहे तो ट्रेड कर सकता है। ओवरऑल देखो सुगर इंडस्ट्री में सबसे अच्छा शेयर मुझे ये लगा था, इसीलिए मैं डेफिनेटली मैं कई बार इस शेयर के ऊपर वीडियो बनाई है, और मैंने कहा आप भी स्टडी करो। और बीच में गिरावट आई तो मेरे को कमेंट आया था कि आपने बोला, मैं कहा थोड़ा टाइम वेट करो, देखो मैं लगातार इस श्री रेणुका जी वीडियो बना रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए शेयर के साथ। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।